अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। तो जी ये ट्रैवल व्लॉग पार्ट जो है सेकंड है, मतलब सेकंड डे का। तो फर्स्ट डे जो है हम मतलब जब नाइट पहुँचे थे तो उसे नेक्स्ट डे फर्स्ट डे तब हम लोग निकले थे आगे नथिया गली के लिए। तो लेकिन हमें जो है नथिया गली रास्ता जो है वहाँ पे क्लोज मिला क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा थी। तकरीबन हमने 45 मिनट की ड्राइव कर ली थी, आपको मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में। तो फिर हमें वापस आना पड़ा क्योंकि आगे बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो स्टक हुई हुई थी और बर्फ़ में सारी फंसी हुई थी। तो फिर हमें वापस मुड़ना पड़ा और अल्लाह अल्लाह करके हमने वहाँ से गाड़ी निकाल ली। तो ये जी हमारा रूम था और ये हमारा जो सेकंड डे का रूम था जब हम नथिया गली साइड से वापस आए थे। तो ये माल से हमने पहले लिया था रूम, ये रूम हमें 3000 का मिला था। तो ये रूम से अब हम निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं आज पत्रियाटा। और अभी भी जो है मौसम आप देख सकते हैं कि किस तरह का है और काफ़ी अच्छा मौसम है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश या स्नोफॉल नहीं हो रही। थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है लेकिन अभी ज़्यादा साफ ही है मौसम के, यानी कि इस तरह का नहीं कि बारिश हो जाए स्नोफॉल हो। तो अब हम पत्रियाटा का माइंड इसी वजह से हमने बनाया, वरना अगर बारिश या स्नोफॉल होती तो हम शायद ना जाते, क्योंकि चेयर लिफ्ट जो है वहाँ हमने जाना था पत्रियाटा चेयर लिफ्ट पर, और जो चेयर लिफ्ट है वहाँ तो ओपन होता है तो इसलिए थोड़ा मसला होता है। तो अभी जी हम रुके हैं नाश्ता करने के लिए और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा क्लाउडी भी है वेदर और क्लियर भी है। और अभी हम नाश्ता करने के लिए रुके हैं यहाँ पे जो है बस टर्मिनल है इनका, बस स्टैंड के नाम से मतलब यहाँ मरी में मशहूर है वो। तो वहाँ पे हम रुके हैं नाश्ता करने। तो ये पठानों का ही होटल था, तो आई थिंक क्वेटा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्वेटा शाहीन कैफ़े। तो यहाँ पर हमने नाश्ता किया और यहाँ पर जो है टेस्ट अच्छा था नाश्ते का काफ़ी। तो अभी हम लोग जगह देख रहे हैं, तो जगह देख के फिर हम लोग बैठेंगे। और हमें स्टार्ट में ही जगह मिल गई थी। नाश्ता हमने जो है फ्राई, हाफ़ फ्राई ऑर्डर किए थे, एक ऑमलेट ऑर्डर किया था, और साथ जो है एक दोस्त ने कहा कि जी मैं सब्ज़ी खाऊंगा, मिक्स सब्ज़ी बनी हुई थी, तो वो भी जो है हमने ऑर्डर की थी। तो वो थोड़ी सी लेट होगी तो इस वजह से जो है वो मैं व्लॉग फिर नहीं बना सकी, मैं नाश्ता करने लग गया था। तो अभी जी नाश्ता करके हम लोग पत्रियाटा की तरफ निकल रहे हैं। और पत्रियाटा जो है यहाँ से मरी से तकरीबन जो है 25 to 30 मिनट जो है वो लग जाते हैं। तो वो इस वजह से क्योंकि एक्सप्रेसवे की तरफ जाके थोड़ा सा राइट पे आके जो है पत्रियाटा की तरफ जाते हैं हम। तो काफ़ी अच्छा प्लेस है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो एक्सप्रेसवे से ये जो है उतर के थोड़ा सा जो है ये पत्रियाटा आता है। अभी हम लोग निकल ही रहे हैं, मरी में ही हैं अभी तो हम। और स्नो आप देख सकते हैं और मौसम आप देख सकते हैं कि मौसम क्लियर है। तो स्नो जो दरख्तों पे थी, ट्रीज़ पे थी, तो वो स्नो बारिश उसकी सॉरी धूप की वजह से जो है वो स्नो जो है वो पिघल के गिर रही है थोड़ी थोड़ी। तो गाड़ी के ऊपर भी अक्सर जो हम गुजरते थे ट्रीज़ के नीचे से तो जो है वो गिरती थी स्नो। तो ये जी हम जो है यहाँ पे आए हैं जीका गली वाली साइड पे। तो एक पत्रियाटा को जा रहा है, कोआला पुल को जा रहा है, और पीसी भूरबन को जो जा रहा है, दूसरी माल रोड कश्मीर पॉइंट और लॉरेंस कॉलेज की तरफ। तो हम लोगों ने जो जाना है जी, हमने तो जो है पत्रियाटा जाना है। तो अभी हम आगे जाके थोड़ा सा राइट को एक रास्ता जाएगा एक्सप्रेसवे की तरफ, तो हम एक्सप्रेसवे की तरफ ही जा रहे हैं। वहाँ से तकरीबन कुछ किलोमीटर, जैसे हम एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं तो तकरीबन छः से सात किलोमीटर तकरीबन जो है बाद आपको एक रोड मिलेगी जो लेफ़्ट को उतरेगी, तो वो जा रही है पत्रियाटा पे। और रोड मैं दिखाता हूँ आपको कि वो किस तरह की रोड है जो पत्रियाटा को जा रही है। तो ये जी आप देख सकते हैं कि एक पतली सी एक रोड है और ये जी पत्रियाटा की तरफ जा रही है। तो लगभग हम पहुँच ही चुके हैं पत्रियाटा, और टाइम तकरीबन जो है हम जब पत्रियाटा पहुँचे थे 2 के करीब का टाइम था आसपास का। तो हम पत्रियाटा जब पहुँचे थे, ये ऑन सीज़न का बहुत लेट है। अगर आप सीज़न ऑन में आएँ तो ऑफ़ सीज़न में तो खैर कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर आप ऑन सीज़न में आएँ तो आप कभी भी इतना लेट ना आएँ। हम लोगों ने बहुत गलती की थी, हम बहुत ज़्यादा लेट आ गए थे, क्योंकि निकलते हुए नाश्ता करते हुए ये चीज़ें जो है अभी हम तकरीबन 2 के करीब पहुँचे हैं और ऑन सीज़न है, वैसे भी सर्दी हैं तो इस वजह से। तो अभी कार जो है हमने पत्रियाटा की पार्किंग में लगाई है क्योंकि ये फिर भी सेफ़ है, और कहीं लगाएं होटल वाले बहुत ज़्यादा ड्रामे करते हैं जी यहाँ पे आप लगाएं फ्री चार्ज पार्किंग है, लेकिन जब आप आएंगे वापस तो आप खाना खा लीजिएगा। तो जब खाना यहाँ से खाते हैं तो कम से कम माल रोड पे, अगर आपको माल रोड भी महंगा है हमारे हिसाब से, हम कहते हैं कि माल रोड भी महंगा है, तो अगर माल रोड पर आपको
खाना जो है अच्छा खाना आपको मिलता है कोई मिसाल के तौर पे 2000 में या 1500 में, तो यहाँ पर आपको इसका डबल पे करना होगा क्योंकि बहुत महंगा है और खाना ये टैक्सेस वगैरह लगा कर ड्रामा लगा के बहुत ज़्यादा लोगों को लूटते हैं, तो इस वजह से। तो हम जी पत्रियाटा आ गए, चेयर लिफ्ट की हमने टिकट्स ले ली, लेकिन लाइन जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत लंबी लाइन है, ये देख रहे हैं आप जैसे कि ये बहुत लंबी लाइन है। और हमें यहाँ पे लाइन में खड़े हुए जब हम हमारी बारी आई तो हमें कम अज़ कम जो है 2 से 2.5 घंटे हो गए थे। तो 2.5 घंटे बाद जाके हम जो है चेयर लिफ्ट पर बैठे। अभी तो हम जो है लाइन में ही हैं और अभी हम जो है चना चाट खा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है रश बहुत ज़्यादा था, बल्कि लोग जो है लाइन में जो थे वो भी लाइन से जो है निकल रहे थे, और लाइन से निकल के जो है वो लोग जो है लाइन से निकल के और जा रहे थे वापस। टिकट्स अपनी कुछ लोग सेल कर रहे थे जो वेट में खड़े थे, जो लेना चाह रहे थे तो उनको। तो अभी आप देख सकते हैं जो लाइन हम अभी बाहर खड़े थे, तो अभी हम इस में आए हैं, ये जो कवर्ड है ये प्लेस इसमें है। अभी इसमें भी हमें काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा और उसके बाद जाके फिर हमारी बारी आएगी। तो हम तकरीबन काफ़ी करीब आ गए हैं, क्योंकि जितनी लाइन थी लंबी उसके हिसाब से जो है हम कह सकते हैं कि हम काफ़ी करीब आ गए हैं। तो अभी इसके ये अभी हम चेयर लिफ्ट पे बैठेंगे, तो अभी हम लाइन में ही लगे हुए हैं। तो ये बच्चे बड़े क्यूट से आपस में खेल रहे थे, बहन भाई लड़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनकी जो है मैं वीडियो जो है वो बनाऊँ और फिर मैं ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँ। तो ये जी पत्रियाटा की जो है चेयर लिफ्ट और केबल कार है, और ये हम पहुँच ही चुके हैं तकरीबन। अब हमारी थोड़ी देर बाद बारी है तो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये लोग जो हैं ये आप देख सकते हैं कि अभी बैठेंगे। ये जी चेयर लिफ्ट जो है अभी आएगी, ये आ रही है चेयर लिफ्ट, और वहाँ पे उन्होंने 2 जो है वो सर्कल्स बनाए हुए हैं येलो पेंट से, तो वहाँ पे बैठेंगे। तो अभी हमारा नंबर आ चुका है और हम चेयर लिफ्ट में बैठ चुके हैं फाइनली। तो दो हम चार बंदे थे, 2 हम एक में बैठे, फिर बाकी जो 2 हैं वो हमसे पिछली जो है चेयर लिफ्ट उसमें आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा मौसम था, सूटेबल मौसम था। और ये आप देख सकते हैं कि ये मेज़ है नीचे, तो यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है, लोग मतलब खेलते हैं आके बच्चों के साथ अपने। तो ये देखिए मेज़ रनिंग कर रहे हैं लोग। तो हम अभी जा रहे हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है, मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन दिन ढल रहा है तो ठंड भी साथ साथ जो है वो बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हाइट पर जा रही है चेयर लिफ्ट, और काफ़ी लोग जो हैं आए हुए हैं। रश बहुत ज़्यादा था, अच्छा खासा रश था, और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना रश होगा, लेकिन हमें इतना रश मिल गया अनएक्सपेक्टेडली। और हम काफ़ी ज़्यादा जो है तंग हुए हैं इसकी वजह से, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा ज़ाया हो गया यहाँ पे रुकने की वजह से, हमें रुकना पड़ गया यहाँ पर। तो अभी ये जी चेयर लिफ्ट पॉइंट है जहाँ पे मतलब केबल कार पॉइंट, मिड पॉइंट है इसको कहते हैं, तो मिड पॉइंट पे हम उतर रहे हैं, और उसके बाद जो है अब लाइन लगेगी। और फिर वो लाइन उतनी ही लंबी थी जितनी पहले वाली थी, और उस लाइन को हम करके फिर हम केबल कार में बैठेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्नो थी, हमारा दिल तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमने आगे केबल कार में बैठना था, लाइन हम छोड़ते तो फिर रश बढ़ जाता और फिर हमें लाइन में लगना पड़ता, तो इस वजह से जो है हम नहीं बैठे, नहीं खेला हमने, ना स्नो में गए ना खेला। और वैसे तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि लाइन बहुत बड़ी थी और दिन काफ़ी ढल गया था, तो हमें पता था कि बहुत टाइम लग जाना है, लेकिन फिर भी हमें बहुत टाइम लग गया। अभी हम लोग जो है यहाँ पे खड़े ही हुए हैं लाइन में, और रश आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है, और लोग आए ही जा रहे हैं पीछे से, अभी और भी लोग आ रहे हैं, और हमसे आगे भी काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े हुए थे। तो कुछ लोग जो है यहाँ से वापस भी जा रहे थे कि नहीं हम लोग वापस जाना चाह रहे हैं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये आप भी देख सकते हैं, आप दो जो ये बंदे उतरे कितना फ़नी तरीके से, एक लड़का उतरा है, क्योंकि आप जैसे ही केबल इसमें चेयर लिफ्ट से उतरते हैं तो आप एक राइट पे और जो लेफ्ट पे बैठा है वो लेफ्ट पे उतरे, अगर एक ही सिम्ट में उतरेंगे तो आपको हिट होने का मतलब चांस है कि आपको वो जल्दी नहीं इतनी जल्दी छोड़ेगी चेयर लिफ्ट। तो ये बाकी रिफ्रेशमेंट वगैरह का भी सामान पड़ा होता है, जो लोग ये कुछ मार्जिन ज़्यादा रख के सेल करते हैं, जैसे कि अगर कोई लेस है 50 का तो वो देते हैं 70, 80, 90 का, जहाँ इनका दिल चाहे। तो यहाँ इनके अपने ही रेट्स हैं, तो कोशिश करें कि अपने रिफ्रेशमेंट का सामान साथ ही ले कर जाएँ।
और ये जी केबल कार जो है ये आ रही है और इन्हीं केबल कार पे हमने बैठना है, लेकिन ये हमारा टाइम नहीं है अभी बैठने का, क्योंकि हमें कम से कम भी इससे भी जहाँ जिस टाइम अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम हमें 45 to 50 मिनट्स और लगेंगे केबल कार तक बैठने में, और फिर हमने जाना है जो लास्ट पॉइंट है इसका। तो ये जी केबल कार आ चुकी हैं और इनमें जी हम कोशिश करेंगे बैठने की, लेकिन फिर हमें नहीं बैठने दिया जाएगा क्योंकि अभी फैमिलीज हमसे पहले खड़ी थी, तो कुछ फैमिलीज जो हमारे बाद खड़ी थी वो भी पहले जाके चीटिंग करके जी और वो चले गए आगे, और उन्होंने कहा कि जी नहीं जी हम फैमिलीज हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो है गलत चीज़ है। तो ये जी यहाँ पे बिठा रहे हैं और काफ़ी स्टाफ जो है मिसबिहेव भी करता है लोगों के साथ, क्योंकि लोग अभी तंग करते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा उस हिसाब से ये इनको कदर नहीं है या इनको सेंस नहीं है कि किस तरह ट्रीट करना चाहिए फैमिलीज़ को। तो मरी में ये चीज़ बहुत गलत है कि इनको इखलाक तो है ही नहीं इन लोगों में, और बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं यहाँ के लोग, तो पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, वीडियोस भी देखी होंगी यूट्यूब वगैरह पे कि ये किस तरह ट्रीट करते हैं। तो लोग भी जो है काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन जो है ये भी बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैमिलीज़ होती हैं लोगों के साथ। तो ये जी हम केबल कार में जो है बैठ चुके थे, और केबल कार से फिर हम ये लास्ट पॉइंट में आ गए थे, काफ़ी हाइट पे है ये पॉइंट, और यहाँ पे स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे हर चीज़ है, यहाँ पे आपको मतलब खाने पीने में फ्राइज़ वगैरह और पकौड़े चिप्स और उसके साथ जो है साथ खाने को चिकन कढ़ाई और जो भी चीज़ें हैं खाने की वो आपको मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मरी या आप जब भी नॉर्दर्न एरिया जाएँ तो जो भी चीज़ आप लें सबसे पहले रेट का पूछें, क्वांटिटी और रेट ज़रूर पूछें, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि ये पहले जो है चीज़ बताते हैं ज़्यादा और फिर जो है बाद में क्वांटिटी कम होती है, पैसे ज़्यादा बता देते हैं और बड़ा तंग होते हैं हम। हमें जो इन्होंने एक फ़्राइज़ की और पकौड़ों की एक प्लेट थी 140 की 250 की बताई सॉरी पहले, तो हमने कहा नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, आप लोग बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। तो जैसे ही हमने कहा कि नहीं नहीं बस चलो, तो इन्होंने फ़ौरन जो है कहा कि नहीं नहीं 140 की है, हमने कहा अभी आप 250 कहते हो, नहीं नहीं वो तो ऐसे मजाक कर रहा था, मतलब वो ये चीज़ करते हैं कि इस तरह प्ले करते हैं आप। तो उसके बाद ही हमने जब फ्राइज़ और पकौड़े खाए तो हमारे बने थे 280 रुपीज़, तो जब 280 हमने पे किया तो उन्होंने कहा जी नहीं आपको 70 रुपीज़ और पे करने हैं, हमने वो किस चीज़ के, तो कहते हैं जी ये जो आप आग के पास बैठे हैं 70 रुपीज़ इसके पे करने हैं हमने, तो हमने कहा ये चीज़ आपने पहले क्यों नहीं बताई। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये हमारे साथ करते हैं। तो जी अब थर्ड पॉइंट था, तो हम थर्ड पॉइंट पे पहुंच तो गए, लेकिन अब वापस भी हमें उसी लाइन से गुजर के आना पड़ना था, और थर्ड पॉइंट से पहले केबल कार्स की लाइन में लगना पड़ना था, फिर मिड पॉइंट में आना पड़ना था, फिर हमें चेयर लिफ्ट में बैठने के लिए लाइन में लगना पड़ना था। तो वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर खड़े हैं, ये जो थर्ड पॉइंट है जी यहाँ पर ना पत्रियाटा से मेन जहाँ से हम चेयर लिफ्ट चढ़ते हैं वहाँ से आपको जो है रास्ता बाय रोड भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी था। तो वहाँ पे लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि जी हम आपको छोड़ देते हैं 15-20 मिनट में, 25 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसे आप 2-3 घंटे फिर लाइन में लगेंगे। तो हमने कहा ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने क्या किया जी, हमने उनसे बात की, तो हमने उनसे पैसे मुकाए, और पैसे जो हमने उनसे डील किए वो थे, उन्होंने 1200 मांगा, हमने जनाब करके 1000 में डन किया और हम लोग बैठ गए। तो हमने जो है बैठ के हम लोग तो सीधा फिर हम चल पड़े। तो अब हम जी आ रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ पत्रियाटा, और विद इन नो टाइम हम माशाल्लाह पहुंच गए थे। तो ये जी हम गाड़ी की तरफ आ चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से आ गए। तो जी व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया था, तो इस वजह से जो है मुझे व्लॉग जो है छोटा करना पड़ा, क्योंकि अभी भी आप काफ़ी ज़्यादा व्लॉग पड़ा था, तो इस वजह से जो है मैंने फिर आगे जो है व्लॉग नहीं वो किया ताकि लंबा ना हो जाए। तो जी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आगे हम कहाँ कहाँ गए और क्या ट्रैवल की व्लॉग अपना आगे अपडेट करूंगा आपको। तो जी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, हमें दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे। आमीन सुमामीन, अल्लाह हाफिज़।